नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में फिर स्वागत करता है आपका AMT यूट्यूबर। इससे मैं आया हूँ दशाश्मेघ घाट पे। दशाश्मेघ घाट को एक आधुनिक लेंसों से सौंदर्यकरण हो रहा है, जो कि देख सकते हैं बड़े बड़े LED लगाए गए हैं। सबसे पहले LED स्क्रीन यहीं पे घाटों पर लगाया, फिर उसके बाद अन्य घाटों पर लगाया गया है, जैसे कि अन्य घाटों पर 80 घाट पर हो गया। देखिए इसे, ये राजेंद्र प्रसाद घाट है, इस घाट का नाम, उसको बगल में दशाश्मेघ घाट है। देख रहे हैं सुबह का टाइमिंग है, यहाँ पर बच्चे फुटबॉल और स्केटिंग चला रहे हैं इस ये मंच पे। आगे चल के दिखाते हैं कि जो सौंदर्यकरण काम चल रहा है, जिसको जिसको कि लोग कह रहे हैं कि एक नए क्योटो बनाया जा रहा है, जो कि रोड भी काफ़ी बढ़िया बनाया जा रहा है। और यहाँ पे घाटों पे भी देखिए सौंदर्यकरण काम चल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया हो रहा है। आगे चल के दिखाता हूँ, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। ये जब LED स्क्रीन जब जलती है तो काफ़ी घाट जगमगा जाता है, क्योंकि बताना चाहेंगे कि इस समय तो बंद चल रहा है पूरा, क्योंकि इसमें लॉकडाउन चल रहा है। देखिए यहीं से सुबह का टाइमिंग दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए पूरे पत्थर चेंज किए जा रहे हैं, जो कि देखने में काफ़ी, क्योंकि आरती सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, एक ही लोग कर रहे हैं। आरती कभी बंद नहीं होती है, आरती सिर्फ एक ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि कभी आज तक आरती रुका नहीं गया है। देखिए सामने जल पुलिस, देखिए कि यहाँ पे भी एक LED स्क्रीन लगाई गई है। देखें आप, देखिए पूरा तोड़ने टाँडने के बाद, देखिए पूरा जो मलबा है, पत्थर सारे इधर साइड सीढ़ी में रखा गया है, इसके बन जाने पर काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि बताने चाहिए कि इसमें भीड़ भाड़ भी इतनी नहीं है। लॉकडाउन चला है कि लोग, किसी लॉकडाउन भी इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग आ जा नहीं रहे, इसे लोग आएंगे जाएंगे तो काफ़ी जो काम करते हैं उन लोगों को भी दिक्कत होता है। पता नहीं, काशी एक बहुत एक अच्छा धार्मिक है, क्योंकि यहाँ पता नहीं कि बगल बगल में आपको मंदिर मिलेगा, यहाँ पे गलियों से लेके हर एक जगह मिलेंगे मंदिर। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ सामने से, देखिए ये LED स्क्रीन लगाई गई है। अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, लोग आते हैं रोज़ स्नान करते हैं और दर्शन पूजा करते हैं यहीं से, और जिनको मुंडन करवाना होता है दूर से आते हैं, मुंडन भी करवाते हैं बच्चों का। देख रहे हैं काफ़ी बड़े में बस का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, शीतला घाट से लेकर दशाश्मेघ घाट तक सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैं सोचा कि आप लोगों को एक अपडेट दिया जाए कहाँ तक काम पहुँचा है। देखो ये पंडा जी लोग बैठे हैं यहाँ पे चौकी पे, क्योंकि इस समय उन लोगों का भी आमदनी कम चल रहा है, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, इसलिए जो घाट पर घूम रहे हैं उनको भी अनाउंस करके हटाया जा रहा है, अनावश्यक ना घूमें घाटों पर। क्या पहले था एकदम बढ़िया था, लेकिन आप देख सकते हैं एकदम सुनसान हो गए घाटों पे, फिर भी लोग नहीं मानते हैं यहाँ पे घाट पे अनावश्यक घूम रहे हैं। देख रहे हैं काफ़ी बड़े में इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो कि चुनार के नए पत्थर लगाए जा रहे हैं। अगर आप कभी दशाश्मेघ घाट पे आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई आपका सुझाव हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। आप वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। बताना चाहेंगे कि घाटों पर भी नई नई LED लाइटें भी लगा दी गई, जो कि काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले से घाट काफ़ी जगमगाता है रात में। ये सामने जा सकते हैं आप, निकल जाएंगे रोड पे, निकल जाएंगे सीधे सीढ़ियों से चढ़ते हुए। देख रहे हैं जो टंकी है उस पर भी देखते हैं पेंटिंग काफ़ी बढ़िया किया गया है, जो कि काफ़ी रात में चमकता है लाइट पड़ने पर। ये देखिए इस पर प्लोटिंग जेटी जो बनाया गया है, उसे मैं खड़ा हूँ, उससे दिखा रहा हूँ, देखते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में घाट, क्योंकि जैसा था लॉकडाउन की वजह से बोट भी नहीं चल रही है, और बोट भी खड़ी हुई है यहाँ पे जो नावें हैं, जैसे क्योंकि स्थिति इसमें काफ़ी ख़राब चल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे दशाश्मेघ घाट के बगल में शीतला घाट है। अगर आप कभी दशाश्मेघ घाट आएँ आरती देखने के बाद यहाँ पे अगर बोट से आप घूमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि काफ़ी दूर से जो लोग आते हैं यहाँ पे बोट से ज़रूर घूमते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर का दर्शन करना, आरती देखना, काल भैरव जी का मंदिर दर्शन करना, बहुत सारे यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पर हैं। जैसे था सामने से जो LED स्क्रीन दिख रही है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए पानी है गंगा जी का, देख सकते हैं काफ़ी साफ लग रहा है इस समय, बस यही है कि यहाँ पे लोग प्रदूषण ना करें, बस यही है। देख रहे हैं मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ घुमा के कैमरे से,
जो कि देखने में दूर से काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके राजेंद्र प्रसाद घाट के बगल मान मंदिर घाट था, जो कि सभी घाटों को एक अच्छे से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा हो रहा है। नहीं, काफ़ी सुनसान लग रहा है। मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दिया जाए कहाँ तक काम पहुँचा है घाटों का, क्योंकि आपको नज़दीक में ही यहाँ पे दशास में ऊपर चढ़ते ही एक टूरिस्ट प्लाजा का निर्माण कार्य हो रहा है, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि बताना चाहेंगे पहले और अब में काफ़ी घाटों में डिफरेंस हो गया, जैसे कि पहले के जो पुराने पत्थर से लगे रहते थे कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब देखते हैं पुराने पत्थर को हटा के नए पत्थर को स्थापित किया जा रहा है, जो कि एक अलग ही हो रहा है। और वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं ये भी बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। अब वीडियो को लाइक भी करते जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो लाइक करने से एक आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। जो जल पुलिस सामने तो देख रहे हैं, सहायता के लिए बनाया गया है ताकि कोई इधर उधर पानी में ना जा सके, और ऊपर NDRF की टीम भी लगी रहती है सुरक्षा के लिए, क्योंकि काशी एक धरोहर है, लोग दूर से ही सोच के उनको सत्ता होती कब मैं बनारस पहुँचे घूमूँ। देखते हैं यहाँ पे, देखिए काम चल रहा है जो कि आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। देखिए इस समय आ गया मैं शीतला घाट पे, पास चल रहा हूँ, शीतला घाट भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसा माहौल है उधर का। अगर आप कभी शीतला घाट पे आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। देखिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कभी आप कभी इधर आए हो तो। देखिए सामने शीतला माता का मंदिर है, अगर जो लोग आते हैं काशी बनारस में तो शीतला माता का दर्शन जरूर करते हैं। एक शीतला माता का मंदिर है चुनार से पहले ही अदलपुरा में पड़ता है, वो भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, लोग दर्शन जरूर करते हैं वहाँ का भी। देख रहे कुछ इस तरह का घाट है यहाँ पे, ये है शीतला घाट। वीडियो समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं ऐसे विकास वाली वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।